हरियाणा विधानसभा सत्र 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें सभी विधायकों की अपने क्षेत्र में आ रही समस्याओं और बजट पर चर्चा की जा रही है। और बीजेपी के पहले बजट सत्र में बड़े अच्छे तरीके से सत्र चलाया जा रहा है, ये कहना है विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर का। डे एंड नाइट की टीम से खास बातचीत में स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि उनका यह पहला अनुभव है और बहुत ही अच्छे माहौल में सत्र चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के हर तबके के लोगों के बारे में गहनता से चर्चा की जा रही है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ हैं। कंवरपाल जी, सबसे पहले तो आपका पहला बजट सेशन है, किस तरह का बजट सेशन रहा और किस तरह से जो उम्मीदें थी वो कहाँ तक खरी उतरी? देखिए, ये सेशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी डिस्कशन इसमें हो रही हैं। और जिस प्रकार से पहले सेशन में जिस प्रकार का मामला बढ़ता था, अक्सर लोगों को बाहर निकालने का या इस प्रकार की बातें रहती थी, तो उन सब से अब की बार उस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और इसके लिए सभी सदस्य पूरा सहयोग दे रहे हैं। जिस तरह से पहला बजट है, एग्रीकल्चर से लेकर या किसानों से लेकर या शिक्षा को लेकर जो है इसमें प्रावधान किया गया है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये 2015-16 का जो बजट रखा गया है प्रदेश की जनता को कितनी सुख सुविधाएं जो है प्रदान करेगा? स्पेशली किसानों की बात अगर करें, क्योंकि किसानों का इस समय हालत जो है, क्योंकि वर्षा से जो है नुकसान हुआ है फसलों का, उसको किस तरह से देखिए, बजट जो है वो सभी का विकास करेगा, उसमें खेती का भी है और बिजनेस में भी उसमें बढ़ेगा बिजनेस प्रदेश का। और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका भी ये मानना है कि बहुत दिनों के बाद जो एक ऐसा बजट आया है जो चुनावी बजट नहीं है, जिसमें कोई बहुत लालच नहीं दिए गए हैं, प्रैक्टिकल बजट है। कि क्योंकि आज प्रदेश की ज़रूरत है, एक प्रैक्टिकल बजट की ज़रूरत है, जहाँ सरकार तैयारी करके जिस प्रकार से कर्ज के बोझ में हरियाणा है उससे भी मुक्ति मिले और प्रदेश का विकास भी हो। जिस तरह से कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आरोप सिर्फ एक जो बजट है वो सिर्फ एक दिखावा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहना ही है, लेकिन जिस प्रकार की डिस्कशन चल रही है उससे भी लगता है कि वो लोग भी इससे सहमत हैं कि अच्छा बजट है। तो बिल्कुल, जिस तरह से साफ तौर पे स्पीकर कंवरपाल गुर्जर जी का साफ तौर पे कहना है कि जो इस बार का बजट है और उन्होंने जो पहला जो उनका एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया है और लोगों को सुख सुविधाएं देने की बात जो कही है, कि स्पेशली किसानों की बात करी है, एग्रीकल्चर की बात करी है, उस पर जो है खरा उतरता है बिल। चंडीगढ़ से कैमरामैन गीत दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।